देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चीजें करी थी। अब हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, गॉस जॉर्डन मेथड हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है। गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होगा और ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है तो फटाफट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गॉस जॉर्डन जो है उसको गॉस जॉर्डन मेथड बोलो या मैट्रिक्स मेथड बोलो वो एक ही बात है। तो गॉस जॉर्डन और मैट्रिक्स मेथड दोनों सेम चीज है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं वो समझेंगे। तो आज अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो गॉस जॉर्डन मेथड, हेडिंग डाल लो पहले गॉस जॉर्डन मेथड हेडिंग डाल लो। हो गया शिखर? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझो। आपको क्या दे दिया, 2x plus y plus z is equivalent to 10, 3x plus 2y plus 3z is equivalent to 18, x plus 4y plus 9z is equivalent to 16। ये आपको दे दिया और बोला है कि इसका x, y और z तीनों चीजें फाइंड करो और किससे फाइंड करो, गॉस जॉर्डन मेथड। अब गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो आपके पास मैट्रिक्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। गॉस जॉर्डन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, b मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, यही क्या है गॉस जॉर्डन मेथड है। इसी को मैट्रिक्स मेथड भी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे x क्या है, b क्या है और a क्या है, तो x यहाँ पे क्या होता है, जितने वेरिएबल आपके इन इक्वेशंस में दिए हुए हैं वो, तो आपके कितने वेरिएबल हैं, x, y और z। फिर a क्या होता है, जो तीन इक्वेशंस आपको दी हुई है, ये जो इक्वेशंस आपको दी गई है इन इक्वेशंस में x, y, z के कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, 3, 1। फिर y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, 2, 4। z का कोएफिशिएंट क्या है, 1, 3, 9। सेम अगर बात करूं b, तो b क्या है, तो जो कांस्टेंट है वो b है, इक्वल के अपोजिट साइड वाले 10, 18, 16 ये सारे आपके क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको a और सॉरी b और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो a और b इनवर्स, b और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास b और a इनवर्स होना चाहिए। तो b तो आपके पास है लेकिन a इनवर्स आपके पास नहीं, तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करते हैं क्या वो जीरो के इक्विवेलेंट तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो के लिए सॉल्व करता हूँ, टू के लिए, तो 9 2 18, 4 3 12, -1 और 9 3 18, 27 सॉरी -3 1 3, +1, 4 3 12, 2 1 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 मल्टीप्लाई 24 +1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप देखें 6 2 12, 48 +10, 22 -48, डिटरमिनेंट ऑफ ए -26 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट -26, इज इट क्लियर, -26। हाँ यही कराया है। तो गॉस जॉर्डन जो मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड को ही मैट्रिक्स मेथड बोला जाता है। गॉस जॉर्डन मेथड को ही मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। और अगर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है, गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है
और एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स। एक्स क्या होता है, जितने वेरिएबल आपकी इक्वेशन में गिवन है, हमारी इक्वेशन में एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल गिवन है इसलिए एक्स वाई और जेड आ गया। बी क्या होता है, इक्वल के अपोजिट साइड में जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो 10, 18 और 16 ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ए क्या होता है, एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, तो ए जो हमने बनाई है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे बी को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई करने के लिए ए इनवर्स फाइंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पास ए इनवर्स प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ ए है। तो जब ये पेपर स्टार्ट हुआ था तब स्टार्टिंग में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने से पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और ये चेक करते हैं क्या डिटरमिनेंट जीरो के इक्वलेंट तो नहीं है। अगर वो जीरो के इक्वलेंट होता है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। अभी हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला फर्स्ट रो के लिए तो वो क्या आ गया -26 और -26 जीरो के इक्वलेंट नहीं है। तो आगे सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है तीनों ही रो के माइनर और टू फैक्टर की मैट्रिक्स आपको निकालनी पड़ेगी। तो तीनों ही रो के लिए हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने रो वन की बात करी। रो वन में मैंने बोला कि टू फैक्टर ऑफ, तो टू का टू फैक्टर क्या हो जाएगा, टू की रो और कॉलम को छुपाएंगे तो 2, 3, 4, 9 यही हो जाएगा 2, 3, 4, 9। और सॉल्व करते हैं तो 9, 2 जा 18, 4, 3 जा 12 तो ये हो जाएगा 6। अब मैं आगे की चीजें डायरेक्ट लिख दूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा। तो कोफैक्टर ऑफ 1, अगर 1 को सॉल्व करता हूं तो 27 - 3, 24। अब ये कैसे आया ये ऑलरेडी आपको पता है, मैट्रिक्स में हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, तो आपको तो पूरा लिखना है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ 4, 3 जा 12, 2, 1 जा 2 तो टोटल हो गया 10। इसी तरीके से रो 2 को करेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 3। तो 3 का अगर फर्स्ट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का कर रहे हैं तो 9, 1 जा 9 - 4, 1 जा 4 तो ये जाएगा 5। 2 का कर रहे हैं तो 9, 2 जा 18, 1, 17। 3 का कर रहे हैं 4, 2 जा 8, -1 ये हो गया 7। ऐसे ही रो 3 के लिए कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 9। 1 को अगर देखें तो 3 - 2, 1 आ जाएगा। 4 को अगर देखें तो 6 - 3, 3 आ जाएगा। और 9 को अगर देखें तो 4 - 3, 1 आ जाएगा। अब आप सभी को पता है कि सबसे पहले इसका साइन चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन मैट्रिक्स। साइन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइड्स पे चलते चले जाते हैं। तो जब प्लस होता है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे प्लस के बाद माइनस आएगा साइन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो उस पर्टिकुलर नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो नंबर का साइन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, जो अगर वो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए प्लस माइनस
माइनस प्लस, ये बन चुका है हमारे पास। अब इसी के अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखना चाहूं तो आप पता है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को कॉलम वाइज अरेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 6 - 24 - 10 - 5 - 17 - 7 - 1 - 3 - 1 दिस इज योर 3/3 एडजॉइंट ऑफ ए। सो व्हाट डू यू मीन बाय ए इनवर्स इज नथिंग बट 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ चुका है, ये लीजिए। आई थिंक सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं। ये देखिए, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो एक्स क्या दे रखा है मुझे, एक्स वाई, और बी क्या दे रखा है मुझे, 10, 18, 16, और ए इनवर्स क्या आया मेरा, -1/26 × 6 - 5 = 1 -24 - 17 - 3 - 10 - 7 ये हमारे पास क्या आया है, 3/3 का इनवर्स। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो इस बी का जो एक कॉलम है इसको इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा ये, एक्स वाई जेड, ये माइनस का 1/26 एज इट इज आ चुका है। बहुत ध्यान से आपका ये जो रो है वो 3/, ये जो मैट्रिक्स है बी वो 3/1 है, वो 3/3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स का आपने कॉलम ले लिया है, सेकंड मैट्रिक्स की आपने रो ले ली, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। तो 10 को 6 से करा 60, प्लस 18 को अगर मैंने 5 से किया तो अपन कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, 5 8 = 40 और 5 90 आ जाएगा, फिर भी एक बार कर लेते हैं ताकि 5 फटाफट सॉल्व हो, तो ये 90 और प्लस का 60। आगे देखते हैं, 24 को 10 से किया तो -240, फिर 17 को 18 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 17 × 18 306 आ रहा है। फिर -3 को हम लोग 16 से कर रहे हैं तो माइनस का 48, फिर 10 को 10 से किया थर्ड रो में तो 100 आ गया, -7 को 18 से किया तो माइनस का 126 आया है, और 1 को 16 से किया तो प्लस का 16 आया है। नेक्स्ट लाइन में आके देख रहे हैं तो x y z, और अगर यहाँ देखे -1/26 × और इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, ध्यान से देखिए, 60 - 90 + 16 - 14। नेक्स्ट रो में आ जाओ, 306 - 240 - 48 तो ये आ गया प्लस का 18। नेक्स्ट रो में आ जाओ, 100 - 126 प्लस का 16 तो ये आ चुका है माइनस का 10। नेक्स्ट रो में देखेंगे तो ये जो माइनस का 1/26 है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का 14 - -26, 18 - -26, -10 - -26,
माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स वाई जेड बचेगा, तो 2 7 14 और 2 1 2 2 6 7/13, माइनस का 2 9 18 और 2 1 2 और 2 3 6, फिर माइनस माइनस करके 2 5 10 और ये 13। कंपेयर करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू है वो 7/13 आ गई है, जो y की वैल्यू है माइनस का 9/13 आ गई है, और जो z की वैल्यू है वो 5/13 आ गई है। और ये आपका क्या आ चुका है आंसर। ये पूरा कौन सा मेथड हुआ? गॉस जॉर्डन मेथड। इसको बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड या फिर मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से आपके पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को आया तो भी यही करना है, और गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करने को आया तो भी यही करना है। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी गई है, उन लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड का यूज करके एक्स वाई और जेड आप निकालते हैं, आप फाइंड करते हैं, वो यहाँ पे पूरा बताया गया है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में मिनिमम आता है, इससे कम मार्क्स में नहीं आता है, और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है 70 से 80% तो एग्जाम में आता ही आता है, इसका रेशो है 70 to 80% एग्जाम में आने का। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब आपको अगर कुछ डाउट है, अपन सेकंड का कॉलम और फर्स्ट की रो लेते हैं धर्मा के, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अगर रिवर्स लिख दोगे, मतलब ए इनवर्स पहले और बाद में बी लिख दोगे, तो वो आ जाएगा सेकंड का कॉलम और फर्स्ट की रो। अभी मैंने बी को पहले लिख दिया तो मैं इसका कॉलम और उसकी रो लेके भी काम कर ही सकता। क्यों? क्योंकि जब मैंने मैट्रिक्स मेथड पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रो कॉलम मैट्रिक्स, एक होता है कॉलम रो मैट्रिक्स। तो किसी से भी करें, अपन ने इससे किया है, अब इसको आगे आप नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप पहले क्लियर कर लो, और कोई डाउट नहीं है तो आप इसको नोट कर लो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि पूरा मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड है और मैट्रिक्स अपन ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे जल्दी से नोट कर लो। नोट करके मैं को अपडेट करो, तब तक मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। सारी बात समझ में आ गई आराम से? जीवन सुख है, सुखद हो गया है ना, शांतिमय जीवन है। और अब समझो, तो ये तो था गॉस जॉर्डन मेथड, या फिर इसको मैट्रिक्स मेथड भी बोल लो, दोनों एक ही बात है, गॉस जॉर्डन बोल लो, मैट्रिक्स मेथड बोल लो। तो इस भवानी को हमने सॉल्व कर लिया है, इस समस्या को हमने सॉल्व कर लिया है, ये कहानी पूरी सॉल्व हो गई है इस तरीके से। अरे ये क्या हो गया, उल्टा सीधा कैसे आंसर है, अपने कुछ गलत नोट कर दिया क्या इक्वेशन? अच्छा, इक्वेशन ज्यादा बड़ी नोट कर ली गया। ये देखो इधर मिस्टेक हुई है, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये 9 2 18 है। सही बात है, ये सही भी है, पर तो सही है ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है? सर 2,24 के जगह 1,24 आएगा है? रुको रुको, 9 2 18, 4 2 12 सही है सर, वो मोड सॉल्व किया है ना वहां पे, ये ऊपर वाला इधर 24 और ये 1,24 है ना, ये तो ये 24 आएगा, तो ये माइनस का ओनली 2 हो जाएगा,
बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी तो। इधर भी ये सिक्स हट जाएगा, ये सिक्स हट जाएगा, ये सिक्स हट जाएगा, ये सिक्स हटेगा, ये सिक्स हट जाएगा यहाँ से और उसके बाद से ये थर्टीन गया, ये 13 गया, ये 13 गया, ये 13 गया, ये 13 गया, इतना सा चेंज है। अपनी कॉपी में चेंज कर लेना, ये ठीक है। ये चेंज कर लो अपनी कॉपी, बाकी सब सही है। तुम लोग क्लास में लेट क्यों आते हो आजकल? आज लेट कैसे आए सब जने? बंद कर दूंगा क्लास, कल से लेट आएगा, आने दूंगा क्लास, मजा करना बैठ गया। देखो सही हो गया तो आंसर हमारा। अब ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपको सॉल्व करना है सेम मेथड से, ये असाइनमेंट है। सॉल्व विथ जॉर्डन मेथड, this is your assignment, solve with the Jordan method and this is your assignment, assignment day 12 August 2021, समझ गए? नोट कर लो इसको, 12 अगस्त 2021 को दिया हुआ असाइनमेंट है जॉर्डन मेथड का, सॉल्व विद जॉर्डन मेथड और मैट्रिक्स मेथड दोनों एक ही बात है। फिर बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा, ध्यान से चीजों को सॉल्व करिएगा। कर लिया भैया नोट, जल्दी बताओ तो आगे बढ़े। करत करत अभ्यास के सुजान, अल्लाह क्या नसीब काम है, सुबह सुबह क्लास लेनी पड़ती है, ऐसे नसीब तुम लोगों के हैं।
वही असाइनमेंट है, आंसर वन माइनस वन और वन आएगा, ध्यान रखना ठीक है। अब ये एक असाइनमेंट और नोट करो, 1 2 3 4 5 जो 5 असाइनमेंट और है, पहले को सॉल्व करना बाइजेक्शन मेथड से, दूसरे को सॉल्व करना फॉल्सी मेथड से, तीसरे को सॉल्व करना न्यूटन रैप्सन से, फिर उसके बाद फोर्थ को सॉल्व करना बाइजेक्शन से, और फिफ्थ को सॉल्व करना रेगुलर फॉल्सी से। रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, चार मेथड एक जैसे हैं, और बाइजेक्शन मैंने अलग पढ़ाया ही है। इन पांचों को नोट कर लो फटाफट, ये भी आपका असाइनमेंट है। और खाओ जलेबी फाफड़ा, देखो असाइनमेंट। असाइनमेंट 2021 नोट कर लिया बच्चों, कर लो इसको नोट कर लो गाइस, फिर हम लोग आगे की बात देखते हैं। नोट बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्लास हम अपन लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड और जैकोबीज मेथड। ये दोनों लगभग बिल्कुल सेम है, 90% दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है।
सॉल्व वॉल सब बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एक डिफरेंस है तो वो ये फॉर्मूला भी सेम है। आप देखना ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का फॉर्मूला, और एक और आएगा आगे मेथड उसका फॉर्मूला, दोनों सेम। गॉस सेडल अलग हो गया, ये तो एलिमिनेशन है, गॉस सेडल का है, जैकोबीस और गॉस सेडल मेथड दोनों सेम है। ये रहा गॉस सेडल, ये देखो ये फॉर्मूला गॉस सेडल का और गॉस जैकोबी जैकोबी मेथड दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं, फॉर्मूला भी सेम, पैटर्न भी सेम, हर चीज सेम, सिर्फ एक माइनर चेंज है, बस वो पकड़ लेना तो दोनों मेथड एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। तो कल अपन पढ़ेंगे, पहले तो एलिमिनेशन पैदा पढ़ लेंगे, बहुत इजी एलिमिनेशन तो फटाफट हो जाएगा। मेन हमारे को फोकस करना है जैकोबीज मेथड और गॉस सेडल मेथड, ये हमारे लिए मेन है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो मच गाइस फॉर टुडे। कोर्स कितना बचा है?